हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये जो व्लॉग आप आज देखने वाले हैं, ये दरअसल मैंने बनाया है अहमदाबाद से लेकर शिमला तक मेरी जर्नी और देन शिमला से ऑल द वे बैक टू अहमदाबाद। वैसे पहले मेरा कोई इरादा था नहीं कि मैं इस तरह का कोई व्लॉग बनाऊंगा, पर लास्टली अभी क्योंकि मैंने बीच बीच में कुछ वीडियोज़ शूट किए हैं और मुझे लगता है कि उससे एक व्लॉग अच्छा निकल के आ जाएगा और आप भी इसी बहाने देख लेंगे कि किस तरह से मैं यहाँ से शिमला पहुँचा और शिमला से वापस कैसा आया और रास्ता कैसा है बीच में। तो हम एक्चुअली कहाँ गए, लड़की गायब हो गई। तो हम एक्चुअली हम लोग कैसे कैसे शिमला पहुंचे और वापस कैसे आए और बीच में क्या क्या हमको परेशानियां हुई, क्या क्या हम लोगों ने मजे किए। इतना लंबा व्लॉग तो नहीं है क्योंकि मैंने बीच बीच में से वीडियो शूट किए हैं, क्योंकि मैं थ्रू आउट ड्राइव भी कर रहा था और हम लोग बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। पर आई होप आप सभी को ये व्लॉग पसंद आएगा, तो आप लोग बने रहिए इस व्लॉग में मेरे साथ। व्हाट्स अप एवरीवन, हम लोग उदयपुर पहुंचने वाले थोड़ी देर में और आधे घंटे में हम लोग शायद पहुँच जाएंगे। पर यार पहले तो मैं थोड़ा डर रहा था, पर अभी मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। और एक और बात है, अभी ना एक गाड़ी का अच्छा खासा टेस्ट होने वाला है कि इसकी इतना, वैसे मैं चलाता तो हूँ इसको बॉम्बे अहमदाबाद में आता रहता हूँ बीच बीच में, पर आज पता लगने वाला है कि और ज़्यादा लंबी जर्नी है गाड़ी कैसे कर सकती है। तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में उदयपुर में। हमने कहीं पे भी हॉल्ट नहीं लिया, कहीं रुके नहीं, हम लोग कॉन्टिन्यूसली आ रहे हैं। और यहाँ से उदयपुर आए तो हम लोगों को भी आधा घंटा और लगेगा। उसके बाद हम लोग उदयपुर पहुँच गए, कुछ खाना वाना खा के फिर हम डिसाइड करेंगे कि हम लोग अपना हॉल्ट कहाँ लेने वाले हैं। चलिए मिलते हैं आप सभी से। रास्ते में हमको ये लाल अमरूद कुछ दिखे, मैंने सोचा कि यार ज़रूर इनको लेते हैं। और यार यकीन माना दोस्तों, इतने टेस्टी थे ना यार ये, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। दिल्ली से 7-8 किलोमीटर दिखा रहा है, मतलब गूगल में बिल्कुल सही है। अब जो है चट्टाने देखो, ये चट्टाने यहाँ की जो है इतनी खतरनाक चट्टाने हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है यार, उदयपुर के बाद से लगातार बारिश लगातार हो रही है और अंधेरा भी बढ़ता जा रहा है। तो अभी हम देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम बारिश से हो रही है, क्योंकि ये जो रोड्स बने हैं इसमें जगह जगह पानी इकट्ठा हो रहा है, बहुत ज़्यादा पानी। उस पर हम स्पीड से नहीं चला सकते हैं क्योंकि गाड़ी के फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस बारिश की वजह से हमारी स्पीड बहुत कम हो रही है, ऊपर से रात हो रही है यार। तो अब देखता हूँ मैं, टेंशन तो हो रही है। देखिए बिजली कितनी ज़ोर से कड़क रही है आपके सामने भी, तो देखते हुए कहाँ तक पहुँचते मैं आपको अपडेट करता हूँ। वैगनार वाला तो भगा के गया, भी देखते हैं। गलत डिसीजन क्यों? फ्लाइट से जाते आराम से जल्दी पहुँच जाएंगे। अभी तक वो हम चंडीगढ़ भी पहुँच गए। चंडीगढ़ आज हम जाना ही नहीं था आपने, तो जा सकते हैं ना गाइस। अंधेरा यार बहुत ज़्यादा हो गया है और अब थोड़ी टेंशन ज़्यादा हो गई है मेरी, क्योंकि ऑलमोस्ट 621 किलोमीटर बचा हुआ है और 10 घंटे कम ही नहीं हो रहे। पता नहीं मैं चला रहा हूँ पर ये टाइम कम ही नहीं हो रहा है फिर भी 10 घंटे। पता नहीं या तो जाके जो ट्रैफिक लगा हुआ है दिल्ली के साथ उसकी वजह से ये शो कर रहा है, या मे बी बारिश की वजह से, आई डोंट नो द रीज़न क्या है इसके पीछे। मे बी मैं देखता हूँ किसी को दिल्ली में, अगर कोई उनको कॉल करके पूछता हूँ कि इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है। तो दिखाओ जी दिखाओ, मौसम दिखाओ, मौसम बिल्कुल ख़राब है जी। अभी तक बारिश लगातार हो रही है पिछले ऑलमोस्ट 2 घंटे से, 6:30 हो गया, तो हाँ 2 घंटे हो गए बारिश। बस फिर भी जज्बा कायम है सर। हाँ तो हम लोग अभी पहुंच गए अजमेर। टाइम तो लग रहा है पर मज़ा आ रहा है, क्योंकि
क्योंकि बारिश रुक गई है तो थोड़ी परेशानियाँ कम हुई है, क्योंकि थोड़ा सा रफ्तार में तेज़ी आई है और मैंने लेंस भी लगा दिया तो उससे विजिबिलिटी बेटर हुई है, तो कॉन्फिडेंस अच्छा है रोड पे। इसके बाद हम लोग पहले हम प्लान कर रहे थे कि हम लोग अजमेर ही आज रुक जाते हैं, पर क्योंकि अभी लेंस जो है वो अच्छी तरह से बैठ गए हैं, सेटल हो चुके हैं, आई एम फीलिंग कि यार चलो जयपुर तक आज निकलते हैं। कल सुबह आपको दिखाते हैं जयपुर के नज़ारे, बने रहिए। हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग निकल चुके हैं जयपुर से अपनी अगली जर्नी पूरी करने के लिए। आज हम लोगों का टारगेट है चंडीगढ़ पहुंचना, और ये जो रोड अभी जिसमें हम लोग आए हैं इसको बोलते हैं भारत जोड़ो सेतु। तो भारत जोड़ो सेतु पे हम लोग अभी पहुंच गए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा मैंने सुना है कि जो मुंबई से जुड़ने वाला रोड है ऑलमोस्ट 1200 समथिंग किलोमीटर्स का होगा और 12 घंटे लगेंगे इस तरह का मैंने सुना है। तो अभी देखते हैं कि हमारा पहला एक्सपीरियंस भारत जोड़ो सेतु के साथ कैसा रहता है। चलिए आपको दिखाते हैं भारत जोड़ो सेतु। भारत जोड़ो सेतु जयपुर बाजार से निकलने के बाद ये एक टनल आती है, और ये टनल में आप देख सकते हैं पत्थर एकदम आप विजिबल हैं, ऊपर से भी साइड से भी आप देख सकते हैं, और लाइट्स होने के बावजूद भी यार ये टनल में बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है, और एक तरह का एडवेंचर ही है टनल में जाना, भी एक तरह का एडवेंचर ही था, पर मज़ा आ रहा था काफ़ी ज़्यादा इस पर ड्राइव करने का। टनल चेंज किए और मौसम चेंज भी ऐसे है कि बहुत ही खतरनाक धुंध है, धुआं है, क्या है, बहुत ज़्यादा फॉग है। अगर आप कभी भी आना चाहते हैं गाड़ी या बाइक से मत आइए, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। घर बैठिए, फ्लाइट पकड़िए, अपना पैसा बर्बाद मत करिए, कोई एडवेंचर नहीं है। तो दोस्तों ये है अपना भारत जोड़ो सेतु। स्पीड लिमिट फॉर कार्स इज 120 किलोमीटर पर आर, और ट्रक चल सकते हैं यहाँ पे 100 की स्पीड से हमारा, और हम लोग 100 की स्पीड से चला रहे हैं क्योंकि ये स्पीड ना वैसे तो 80 की स्पीड से चलना चाहिए, तो क्योंकि इसमें 1, 2, 3, 4, 5 लेंस है यार ऑलमोस्ट, तो आप चला सकते हैं इसमें। और ये देखिए स्पीड कैमराज आगे लगे हुए, 97 मेरी स्पीड दिखा रहा है, मतलब आई एम एकदम सेफ ड्राइव कर रहा हूं। चलिए चारों तरफ फूल की बगिया लगाई हुई है, बहुत ही प्यारा और अच्छा रोड है। किसान आंदोलन की वजह से देखिए क्या हालत हो गई है, इस रोड से आना पड़ रहा है, लोग बेहाल हैं और पता नहीं मांगे क्यों नहीं पूरी की जा रही। किसानों की मांगे पूरी की जाए ताकि एक आम आदमी जो है सब की चीज़ों से भुगतना उसको ना पड़े। एक आम आदमी को देखिए किस तरह से भुगतना पड़ रहा है। हाय एवरीबॉडी, खाना खाने बैठे हैं अभी, ऑन द वे पटियाला रोड चंडीगढ़ के लिए निकल गए, और मैंने गाड़ी 1300 किलोमीटर चला चुका हूँ अकेला। 1300 किलोमीटर डन। अब जो लोग खाना खा रहे हैं, मक्की की रोटी, अरे सरसों का साग, अरे दही पल्ले जी, अरे क्या खस्ता हो गई है, पर मज़े आ रहे बॉस। 1300 किलोमीटर्स वन गो। हाँ जी गुरदासपुर वाले पटियाला क्रॉस कर दिया जी, बस थोड़ी देर बाद चंडीगढ़ पहुँचने वाले आज जी। ये देखो जी तुम 1273 किलोमीटर हो गए ने, 1273.4 किलोमीटर। जब असं चंडीगढ़ पहुँचों गए तो साडा जोड़ा रिकॉर्ड से है जी वो वही साडा रिकॉर्ड बन जाएगा जी। चंडीगढ़ पहुँचते 1500 किलोमीटर डन वन गो जी। धन्यवाद जी, गुड नाइट, थोड़ा मिलता है चंडीगढ़ से। तो हम पहुंच चुके हैं कहां पे? हाय एवरीबॉडी, अच्छा हाय एवरीबॉडी, परमाणु में एंट्री हो गई है जी, और थक के चकनाचूर तो हूं है पर एनर्जी अभी बाकी है। ये देखो ये करिश्मा का करिश्मा तो करिश्मा को पिक कर लिया जी चंडीगढ़ एयरपोर्ट से,
हूँ असी चले जी पहाड़ च घूमण लई तुहानू मिलदे आं जी असी हूँ कुलचा खाते खाते ब्रेक के बाद। तो व्लॉग चलते चलते बीच में बंद हो गया, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। आई होप आप सभी को व्लॉग पसंद आ रहा है। अच्छा मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग हिमाचल जा रहे थे तो आप जानते हैं हम लोग शादी के लिए जा रहे थे, जितना हम शूट नहीं जानते चलो मैंने इनिशियल शायद बताया हुआ ऐसा नहीं, हम लोग जा रहे थे शादी के लिए और उसके बाद हमको क्योंकि टाइम ही नहीं मिला यार वहाँ पे शूट करने का, और जब वहाँ पहुँचे भी थे रात को तो हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे, हम सीधे सो गए थे। और उसके बाद शादी वादी के झंझट आपको पता ही, आप सभी जिन जिनने शादी कर ली है आप सभी जानते हैं कितने सारे काम होते हैं शादी में करने के लिए, उस वजह से हम लोग ये ब्लॉग को कंप्लीट नहीं कर पाए। पर हाँ अब इसके बाद जो आप ब्लॉग देखने वाले, इसके बाद जो आप देखने वाले हैं वो है जब हम शिमला से वापस अहमदाबाद आए। एग्जैक्टली, तो वो देखने के लिए करना क्या है, कुछ नहीं बस बने रहे इस ब्लॉग में हमारे साथ। अब यहाँ देखो जी हम लोग जा रहे हैं वापस हिमाचल से पंजाब, और अब पंजाब से गुड़गांव, और गुड़गांव से सीधे अहमदाबाद। उससे पहले ये बताओ कि तुमने डबल शेड्स क्यों पहने हैं? देखो जी मेरे को बहुत मोटा नंबर लगा हुआ है चश्मे का, सब लोग जानते हैं, और धूप यहाँ इतनी तेज है कि मैंने ऊपर से इसको जो है ऐसे लगा लिया। ये देखिए अभी देखो जी आगे से मुझे ठोक दिया था इसने, बहुत ही खराब, क्योंकि जो पिंड वाली रोड है सब लोग बहुत रेस्ट चला रहे हैं, जितनी भी गाड़ियाँ आप लोग आगे से आती हुई देख रहे हैं ना ये सब दिल्ली से आ रहे हैं लोग, और ये जो हम लोग जा रहे हैं हम लोग दिल्ली को जा रहे हैं क्योंकि किसानों का आंदोलन चला हुआ है, इसलिए जो पिंड वाले रास्ते हैं यही सब रास्ते जो हैं सब लोग यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से जितनी भी आम जनता है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारी सरकार से कि प्लीज़ यार आप जो है बात करिए किसानों से और ये इसका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी निकालिए, क्योंकि आम जनता को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। ये सेफ भी नहीं है यार, इतना अंदर अंदर से हम लोग चल रहे हैं बिल्कुल सेफ नहीं है। ये देखो जी भीड़ बकरियां, ये देखो जी पिंड के रास्ते लहलाते खेत, ये देखो भीड़ को इसने क्योंकि ठुका के टैक्सी वाले ने तो अंकल ने डंडे से उसकी टैक्सी पे मार दिया। अच्छा और बताओ तुम्हारी शादी का एक्सपीरियंस? शादी में बहुत मजे आ गए जी, बीवी आ गई, बस बीवी अब वीडियो बनाएगी, बीवी को वीडियोग्राफर बनाएंगे, हम खुद वीडियो बनाएंगे, बस ऐसे जिंदगी चलेगी। अब ये देखो आप रोड दिखाओ यार, ये देखो गूगल कहाँ से दिखा रहा है और हमारे को कहाँ से जाना पड़ रहा है, देखो इस वजह से मैं गूगल स्ट्रीट दिखा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री से विनम्र निवेदन करता हूँ कि प्लीज आप इसका कुछ चारा निकालो सर, ऐसे तो बहुत दिक्कत है। ये तो गूगल तो स्ट्रीट दिखा रहा है, अरे 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 पूरा कैमरा हिल गया, हमारी गाड़ी की बहन बस बंद करो। पता नहीं कौन से पिंड में हम अभी हैं, ये देखो यार इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही है, और ये देखो इधर ही आ गया था इसने, मेरे को दे दिया था अभी घसा। बहुत ज़्यादा रिस्क है, मोदी जी मैं आपसे अपील करता हूँ कि प्लीज़ इसका समाधान जल्दी से जल्दी निकालिए, क्योंकि आम जनता को जो ये तकलीफ हो रही है ये बहुत ज़्यादा ख़राब है, और रिस्क है मोदी जी, ये देखो ना इतनी छोटी सी इतनी पतली सड़क में इतनी सारी गाड़ियाँ एक साथ चल रही हैं। मोदी जी को बहुत हिचकी आ रही होंगी क्योंकि उन्हें तुम याद कर रहे हो। याद तो अलग बात है जी, ये रिस्क है लाइफ का महाराज, ये रिस्क है। ये देखो इधर उधर खड्डे नीचे, मतलब कोई घुस गया तो गाड़ी सीधे पलट जाएगी, और आगे से भी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं साइड से भी, भगवान बचाए सर। बाय बोलो। ये देखो ये बच्चे भी परेशान है गड्डी में बैठे हुए हैं, सरदार जी बाय बाय, सरदार जी नो बाय बाय बोल दिया जी, ऐसी हूँ आप चले सरदार जी जी गड्डी पीछे पीछे। अब ये देखो जी ये क्या हो रहा है, यहाँ पे गाड़ियों को रोका जा रहा है, सारी गाड़ियों से पैसे मांगे जा रहे हैं धीरे धीरे। देखिए बोल रहे हैं कि पुल की सेवा कर रहे हैं यहाँ, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि बस सेवा के लिए मांगे हों, तो मैं सरकार से गुजारिश करूँगा यार, देखो ये हाल देखो, ये देखो रोड देखो जी, इतना बड़ा रिस्क है देखो लाइफ को यार ये, और बहुत ही ज़्यादा ख़राब रोड है भाई, इतना तो नीचे देख के डर लग रहा है भाई, अभी इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि मैं बता नहीं सकता आपको, ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, बहुत ही ज़्यादा भयानक था ये जो भी था मंज़र।
क्योंकि जरा सी गलती अगर किसी से हो गई ना भाई इस पॉइंट पे, वो सीधा नदी में जाएगा। ये कहीं पैसे मांगे जा रहे हैं पुल की सेवा, जो काम सरकार की है वो सरकार पे छोड़ देनी चाहिए, पुल की सेवा के लिए जो है आम आदमी को पैसा देना पड़ रहा है। ये देखो रोड की हाल आप देख सकते हैं सर, यहाँ पे तो हर बार जैसे गड्डी ही चाहिए क्योंकि नॉर्मल गाड़ी के बस का तो नहीं है जी, तो इंजन की जो है वाट लगाने वाले काम है। ये देखो जितना छोटा सा बाड़क जिसके पास लाइसेंस भी नहीं होगा वो भी गड्डी चला रहा है जी। बाड़क कहीं भी देखो जी, कहीं से भी गड्डियां निकालनी पड़ रही है क्योंकि बाइक वाले हर कहीं बाइक घुसा रहे हैं, तो रिस्क तो जी लाइफ में सभी के ही है भाई। अंबाला दिल्ली उधर दिखा रहा है बेसिन, ठीक है ये क्या दिया है मेरे को है? देखो मुंह मीठा करना होता है लाइक लिटरली थोड़ा मीठा भी बहुत जरूरी होता है, तो थोड़ा मीठा क्यों मेरे लिए रखा है? शादी के बाद आधा आधा खाना होता है वो ठीक है, पर ये खाली आधा मेरा आधा तुम्हारा। मार्केटिंग चालू थी आई थिंक दिस इज द पानी, फिर हमने यहाँ पर आके एक बार प्लान करके खाना खाया था, दिस वाज द प्लेस। उस टाइम तो बहुत छोटा था ये, अभी तो बहुत बड़ा बन गया। हाय एवरीबॉडी, गुड़गावा पहुंच गए हैं, यहाँ कुछ काम था तो हमें गुड़गावा आना पड़ा। क्या काम था आपको अभिरुचि बताएगी बताओ भाई? काम ये था कि एक हॉल्ट हमें लेना था, इस हॉल्ट के लिए हम यहाँ पर आए, सब रिलेटिव से मिलते सबके पास थोड़ी 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 देर रुकते रुकते हम काफ़ी लेट हो गए हैं अभी आज, सो वी थॉट कि आज हम कल मिलते हैं कल आगे की जर्नी कल से चालू करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो अपन लोग अभी निकल गए हैं गुड़गावा से, गुड़गावा से सीधे बंबई नगरिया के लिए। ये दिल्ली टू वडोदरा, वडोदरा से मुंबई, अब देखते हैं हमको ये कहाँ लेके जाता है। मैं तो आए तो थे आगे सम इसी रोड से, जाते हुए वी डोंट हैव एनी आइडिया कि कहाँ हम लोग जाने वाले हैं। लेट्स सी कि अभी कहाँ पहुँचते हैं हम लोग। 1224 किलोमीटर हो गया, लकड़ी आए कुछ खाते हैं। मैं कहा वैसे तो मैं खाता नहीं, देखो यार ये सब चीज़ें, पर अभी हाईवे पे मुझे यही दिखा सबसे पहले, मैंने सोचा चलो यही खा लेते हैं। भाई साहब को बोला कि मेयोनीज मत डालना, अब इनको दो अलग से बनाने पड़ रहे हैं, तो इन्हें थोड़ा मुंह बना लिया था, पर चलो बना के नहीं देखो। तुम एक बार बताओ इतने हैंडसम कैसे लग रहे हो, इतने हैंडसम कैसे लग रहे हो? हैंडसम तो मैं ना अलग अलग साइज में डिजाइन कर लेता हूँ, एक टी शर्ट में 100 डिजाइन। ये पहना क्या है तुमने भाई? तो भाई दोस्तों टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, साइड में आप लोग देखो एकदम चट्टाने, वीहड़, ये राजस्थान के वीहड़ है,
और यहाँ से देखो देखो वडोदरा 722 किलोमीटर, आगरा 140, जयपुर 104 किलोमीटर। तो ये जो अच्छे वाला रोड है सिर्फ जयपुर तक ही है। तो आप लोग इस ख्वाब में ना जिए कि पूरा का पूरा हाईवे बन चुका है। इसको बनने में भी टाइम लगेगा दोस्तों। अभी फिलहाल जयपुर तक है, जयपुर के आगे आपको फिर वही डबल लेनी है। तो ये जो आप पत्थर देख रहे हो साइड साइड में, ये कमाल लग रहे हैं यार, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और ऐसे वीघड़ में भी इतने खूबसूरत फूल जो है वो यहाँ पे उगे हुए हैं सड़क के चारों ओर। तो इस बात के लिए एक बार सरकार के लिए जोरदार तालियां। सरकार के लिए तालियां। तो बस यही है, कॉल आ रहा है रिस्पॉन्स। तुम बहुत फोन चलाती हो रिची, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें तुम मिस करती हो ना फोन के चक्कर में। इंस्टाग्राम चलाती रहा करो सुबह शाम। किसका इंस्टा चला रहे हो भाई? एक पोस्ट करती फिर इस पोस्ट को 100 बार देख। ओके हम कहाँ पहुँचे हमें खुद भी नहीं पता, हम कहाँ पहुँचे गूगल पे भी कोई नाम पता। यार मैं बस यही बोलूंगा भाई, आप लोग अगर अभी रोड ट्रैवल का प्लान कर रहे हो ना यार। नहीं आपको तो रोड ट्रैवल करना था ना, तो ये जो नहीं आपको तो मुंबई टू लद्दाख जाना था कुछ मेरे। जा सकते हैं वो प्रॉब्लम नहीं है। ये जो मुंबई जो एक्सप्रेस वे बनाया हुआ है भाई, इसके चक्कर में मत रहना, क्योंकि जगह जगह बंद किया हुआ है, इसमें पत्थर डाल के रखे हुए हैं। एक तो रिस्क बहुत बड़ा है, ऊपर से फिर उसी चक्कर में मेरे को पता नहीं कौन सा गांव का रोड पकड़ना पड़ गया, और पूरा अंदर अंदर से घूम घूम के पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरे को ऑलमोस्ट यहाँ से 571 किलोमीटर दिखा रहा है अहमदाबाद। इससे अच्छा तो मैं अलवर वाला रोड ही लेता है यार, वो जयपुर से अलवर जो रूट था वो बेटर है, अलवर से जयपुर और जयपुर से अजमेर वो बेटर रूट है, उसी से आए आप लोग। ये इस चक्कर में ना रहे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा पता भी नहीं चलेगा, दिमाग ख़राब हो गया। हैशटैग अंकुश का हुआ दिमाग खराब। अभी ये जो जगह हम जहाँ पहुंचे हैं, इस जगह का नाम है जवानों का झोपड़ा। राजस्थान में कोई तो जगह है यार, इससे पहले एक नाम था नैनवा से नैनवा मिलाई के, नैनवा से नैनवा मिलाई के, नैनवा से नैनवा। गलती से भी मत आओ भाई लोग, बाई रोड बिल्कुल मत आओ, और खास तौर पे गूगल के भरोसे तो बिल्कुल मत आइए भाई साहब। अभी जब मैं सो गई थी थोड़ी देर पहले तो तुम क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे? मैं गाड़ी चला रहा था जी। मैं बस रास्ते को लेकर इतना ज्यादा कंफ्यूज हूँ, गूगल ने इतना ज्यादा, देखो कोई वीहड़ है भाई, पता नहीं कहाँ है हम लोग, ये कुछ पता ही नहीं है। सूखे हुए पेड़, उसमें डोरियां बांधी हुई है, स्त्री मूवी याद आ रही है बार बार, वैसी कुछ साइट है, और डर लग रहा है भाई। ये देखो आप दीवारें देखो, चौड़ी चौड़ी मोटी मोटी लगा के रखी है, क्यों लगाई है मुझे समझ नहीं आ रहा। किसकी बाउंड्री है? गोलपुर नाम की जगह, गोलपुर गोल ही घूम रहे तब से लेकर। सारी स्त्रियां जा रही है यहाँ भी देखो, लाल लाल दुपट्टे वाली स्त्री। कितना किलोमीटर? अरे यहाँ से है क्या मेरे रास्ता है? एक सेकंड रुक जाओ भाई। कौन सी वाली टपरी? अरे ये आगे खंबा, ये जो कपड़ा से भरन के क्या थोड़ा आगे ही है, इससे गेट है। यहाँ से है क्या कपड़ा सुखा रही है? सर वो कनेक्ट करना था उस रोड पे, कैसे कनेक्ट होंगे? नहीं कहाँ जाना है आपको? हमको तो जाना है उदयपुर। आगे जब आए ना एक्टिवा उसमें इधर घुस जाना। अच्छा ठीक है, थैंक यू। आगे जाके थैंक यू सर। भाई साहब फंस गए हैं बहुत बुरे, गूगल मैप के चक्करों में पड़े हैं। और देखो मुझे पता है रिची मेरे को मनी मन तो बहुत गालियाँ दे रही है, पर अभी चुप बैठी हुई है क्योंकि खुद भी घबराई हुई है बहुत, पता है बहुत ज़्यादा डरी हुई है ऐसे भीड़ में। मैं तुमको कब से इस चीज़ के लिए, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, क्या बोला था? सड़क से जाना रिस्की है, बाय रोड। हाँ बाय रोड वही सड़क। अंकल अंकल को बाय
है अंकल? अंकल पिचकारी मार रहे थे। स्त्री दीदी बहुत बड़ा हो जाने लगे हैं लोग, गुस्सा हो सकते हैं। मत बनाओ वीडियो यार, इनकी वीडियो मत बनाना, इनकी वीडियो मत बनाना, गुस्सा हो सकते हैं क्योंकि ये लोग। गूगल मैप को मैं इतनी गालियां दूंगा ना आज। ये तो हम लोग अभी पहुंचे हैं गिरदास सावल होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट। ये जगह का नाम तो पता नहीं क्या है, पर यहाँ से आई गेस 100 किलोमीटर है उदयपुर, और आई एम सो प्राउड कि मेरी वो जान और मेरी ये जान से भी पहुँचा पाया हूँ वापस। और आ जाओ, मैं एक और बात बोलना चाहूँगा और मैं एक और बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग में से कभी कोई प्लान कर रहा है कि आपको रोड ट्रिप पे आना है और आपके पास सोनेट है तो डेफिनेटली आप प्लान कर सकते हो यार। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा पूरी गाड़ी का, पूरी जर्नी में इस गाड़ी ने बहुत अच्छे से साथ दिया। इसका रोड प्रेजेंस तो अच्छा है ही, पर ऐसा नहीं है कि बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं देखने में अच्छी है, पर नहीं यार जेन्युइनली मुझे भी पहले ऐसा लगता था क्योंकि ऑब्वियसली इसके जो कुछ पार्ट्स हैं जैसे बम्पर में जो प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ है दैट इज़ नॉट, वो इतना अच्छा नहीं है। पर अभी भी जो मैंने इसको चलाया यार गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप इसको लंबी ट्रिप पर ज़रूर जा सकते हैं। क्योंकि मैंने आज मैं सुबह दिल्ली से लेकर लगातार चला रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर से ऊपर मैं ऑलरेडी चला चुका हूँ और गाड़ी का रिस्पांस बहुत अच्छा है। 4 घंटे का ट्रैवल और बाकी है अहमदाबाद तक के लिए, और वो अगर जर्नी वो मैं पूरा करता हूँ तो 1200 किलोमीटर एक दिन में गाड़ी चल चुकी होगी, तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। इसी के साथ शाम डल रही है, आप लोग हम खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद यहाँ से निकलेंगे आगे। ये देखो जी ट्रेन, बालों की बैंड बजी है, स्किन की बैंड बजी है, टैन हो चुके हैं, क्या क्या नहीं हुआ है। पर मज़ा आया कि नहीं आया? आया ना, अनफॉरगेटेबल जर्नी। चलो अब हम लोग फटाफट से खाना खा लेते हैं, आप देखो तब तक ये प्यारा सा सनसेट। मेरे को चलाने दो। नहीं ट्रैफिक ज्यादा है। अरे नहीं है ट्रैफिक, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, मेरे को चलाने दो। ट्रक की ट्रक चल रहा है। अरे चला लूंगी। नहीं अरे हाँ चलाने दो। नहीं क्यों, मेरी शक्ल देख के कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा? बिल्कुल भी नहीं। अरे चलाने दो यार। नहीं मेरे को चलाने दो गाड़ी। अरे मेरे को गाड़ी चलाने दो। चल ट्रक चलाए, इसको लगा ट्रक दे, लगा उसको हॉर्न मार दे, इसको ट्रक चलाने दे। ममटी नमस्कार। क्या बोला उन्होंने? अभी हम लोग कहाँ पहुँचे? अभी यहाँ से अहमदाबाद है 2 घंटा 3 मिनट दूर, यहाँ पे ट्रक। ट्रक वालों की स्ट्राइक हो गई जी। स्ट्राइक कुछ भी नहीं, क्या चल रहा है भाई? सब तरफ से इतनी लाइटें आ रही है। नहीं नहीं अभी तो हम मुंबई से जाएंगे लद्दाख, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी। मत जाओ भाई। नहीं नहीं तुम जाओगे। रोड्स आर नो रिलायबल एंड गूगल मैप भी बिल्कुल रिलायबल नहीं है गाइस, तो यहाँ पे क्या? तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, हम लोग आए यहाँ पे, मैं कह यहाँ KFC मिलेगा, लिखा है कृष्णा फूड कोर्ट और यहाँ पे ये सब है जी, जय भवानी वड़ा पाव, बॉम्बे पाव भाजी, पता नहीं क्या लिखा है गुजराती में, गांधी आरत कृष्णा गिफ्ट है, पता नहीं। चलो भाग गए तो देखते हैं क्या मिलता है यहाँ। तो दोस्तों इसी के साथ मैं पहुँच गया हूँ अपनी पार्किंग में, और देखो गाड़ी जो टोटल चली है इस पूरे ट्रिप में, मतलब यहाँ से शिमला, शिमला से रिटर्न 3480 किलोमीटर। तो चलिए फिर इसी के साथ, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में।